मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डीजे की धुन पर नाचने वाले लड़कों ने मोइनुल शेख नामक एक लड़के पर हमला कर दिया है। इस हमले में मोइनुल शेख घायल हो गया है। ये पूरी वारदात रशीद कंपाउंड की है। बताया जा रहा है कि मोइनुल शेख 15 दिन पहले ही अपने गांव से आया है और वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था, मगर एक कार्यक्रम के दौरान रशीद कंपाउंड में डीजे बज रहा था और इसकी धुन पर कई लड़के नाच रहे थे और मोइनुल शेख वहां से गुजर रहा था। इसी दौरान डीजे पर नाचने वाले कई लड़कों ने मोइनुल शेख पर हमला कर दिया। इस हमले में मोइनुल शेख गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे नूर हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। हालांकि इस घटना की जानकारी जब पुलिस को लगी तो मौके पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और इस पूरे मामले में मोइनुल शेख के भाई मकसूद शेख ने क्या कुछ जानकारी दी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकसूद शेख। मकसूद भाई, ये जो अभी विवाद हुआ है, ये किस जगह और क्यों हुआ है? ये जो है ना, मेरा भाई अभी 15 दिन पहले गांव से आया है। यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं है। डीजे लगा हुआ था, किसी का बर्थडे था, डीजे में सब नशा में नाच गाना कर रहे थे। मेरा भाई वहाँ से गुजर रहा था तो सब मिलकर उसको मारने लगे। अच्छा, बिला वजह मारने? बिला वजह, सब कोई बातचीत सब कुछ नहीं। मैं चुराने गया था तो मुझे भी मारे। करीम भाई चुराने गए, करीम भाई को मारे। दो तीन लोग और चुराने गए, उनको भी मारे। मारने वाले टोटल कितने लोग? कम से कम 25 से 30 लोग थे वहाँ पे। अच्छा, बताया जा रहा है कुछ हथियार भी थे उनके? हाँ, बाद में उन लोगों ने तलवार उलवार भी इधर से लेके भागे। अच्छा, यहाँ से लेके भागे? हाँ, तलवार। ये जो मारने वाले लोग थे, ये वहीं के रहवासी है या आसपास के लोग हैं? कुछ लोगों को जानता हूँ जो उधर पे रहते हैं। नाम जानते हैं आप उनके? जी जी। क्या नाम है उनका? रईस शेख हो गया, अफ्फो हो गया, और अपना क्या बोलते हैं, एक समीर हो गया, और एक दो लड़का वाले आइनुल वगैरह है, जिनको मैं खाली ऐसे ही नाम से जानता हूँ, प्रॉपर नाम नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो जो आपका भाई घायल है, हाँ, जो अभी 3 घंटे से होश में नहीं है, यही हॉस्पिटल में पड़ा है, उसका नाम क्या है? मोइनुल शेख। मोइनुल शेख, उम्र? उसकी उम्र 17 साल है। तो आप अभी पुलिस चौकी गए थे तो क्या आपकी टकरा ली? यहाँ से फोन पे पुलिस चौकी में कंप्लेन डाले थे, तो कंप्लेन लिखा हुआ था। फिर मैं अभी गया वहाँ पे, तकरीबन 10-15 मिनट खड़ा था मैं कंप्लेन लिखाने के लिए, तो बोले कि ये कंप्लेन लिखा हुआ है, बाकी आगे कुछ लिखे हो? कहने बोले दूसरे साहब आ रहे। तो फिर मेरे को हॉस्पिटल से फोन आ गया, तो मैं यहाँ भाग के आ गया।